Good afternoon, students. You all are welcome to my class. I am Mamta. Hope you all are well and safe. Today I am going to discuss on the topic business environment. Business environment is the most important concept of any business. So before going to business environment, we need to understand the meaning of environment first. Okay. First we will see the meaning of environment. See, meaning of environment is refers everything around us, such as land, building, animals, plants, human beings, and all others biotic and abiotic things, whatever may be surrounding us. बच्चे आप समझ गए होंगे कि environment का मतलब क्या है. Environment का मतलब है, हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो पर्यावरण है, और ये एक place है जहाँ पे आप हो और आपके आसपास में एग्जिस्ट करने वाले हर एक चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो. दिस ऑल थिंग्स और फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द एनवायरनमेंट. इफ वी से इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस. इन एनवायरनमेंट देर आर डिफरेंट इंटरैक्शन बिटवीन द दिस ऑल फैक्टर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉयल, वाटर, एयर एंड all others biotic and abiotic things. Business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces such as social, legal, political, economical and technological factors, and these all factors affect the performance of the business, but the business has no control over these factors. Business environment mein aap dekhenge यहाँ इंटरनल फैक्टर्स भी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिलेट करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस और अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? द फैक्टर्स आर कस्टमर्स, कंपटीटर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सोशल और लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और देयर मे बी चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल factors. Business environment, it may be internal or external. अब ये internal environment क्या है? Internal environments refers those factors which influence the business and it is present within the business. It is present within the business and business has full control over it. ये जो फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स, इसको जो है बिजनेस कंट्रोल कर सकता है. जैसे बिजनेस का अंदर ही कोई मैटर हो, जैसा कोई एम्प्लॉयज़ को लेके कोई प्रॉब्लम होता है या मैनेजर्स को लेके कोई प्रॉब्लम होता है या कोई मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो दिस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस और बिजनेस इसको जो है सॉल्व कर सकता है. बट एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड इट एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर्स. लाइक इसमें आता है आपका लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल. ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट विल कम टू द नेचर और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो अंडर नेचर विल सी फर्स्ट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. देखिए, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, ऑलरेडी यू हैव सीन इन द मीनिंग इटसेल्फ. मीनिंग में हम लोग क्या देखा है बिजनेस एनवायरनमेंट में? देयर इज अ ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. दैट मीन्स देयर इज नो सिंगल फैक्टर्स. सो टोटल हम लोग कब करते हैं? अभी एक कोई सिंगल मान लीजिए एक फ्रूट है, इसको हम लोग टोटल नहीं कर सकते. जब यहाँ और एक फ्रूट होगा तब इसको हम लोग टोटल कर सकते हैं, 1+1=2. सो यहाँ उसी तरह सिंगल फैक्टर्स नहीं है, यहाँ क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. नेक्स्ट पॉइंट इज
specific and general factors. Specific and general factors. These external factors may be specific and general factors. So, ये जो external factors है, इसको क्या कर सकते हैं? एक है specific और second one is general factors. स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या है? जो फैक्टर्स है, स्पेसिफिक फैक्टर्स, ये जो है जब कंपनी को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट्स द फर्म सेपरेटली. एग्जांपल, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स एंड कंपटीटर्स. मतलब क्या है? ये जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है, इसे कंपनी जो है या बिजनेस कुछ हद तक जो है कंट्रोल कर सकता है और एक साथ जो है ये प्रॉब्लम लेकर नहीं आता है. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी एबीसी कंपनी है और उसका कोई कस्टमर्स है या फिर सप्लायर्स है, इन्वेस्टर्स है, दे आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो इफ दे आर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, दैट मीन्स दैट प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फर्म. दे शुड नॉट अफेक्ट ऑल इंडस्ट्री और फुल इंडस्ट्री को जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा. सेम टाइम जनरल फैक्टर्स क्या है? जनरल फैक्टर्स, दिस फैक्टर्स जब अफेक्ट करता है, ये इक्वली अफेक्ट करता है. दैट मीन्स अफेक्ट द ऑल फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में जितना भी फॉर्म्स है वो सारा फॉर्म्स को इक्वली अफेक्ट करता है. वो क्या फैक्टर्स है? दे मे बी लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है, कुछ भी हो. जब मान लीजिए कोई सरकार बदल जाता है और सरकार जब बदलता है तो क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होता है, टैक्स रेट चेंज होता है, इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज होता है. तो इसमें क्या होता है, ये जितना भी इंडस्ट्रीज है या इंडस्ट्री का कोई कितना भी फॉर्म है, सबको जो है इक्वली अफेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड जनरल फैक्टर्स. थर्ड पॉइंट, वी हैव डायनामिक इन नेचर्स. एनवायरमेंट इज ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. दिस बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? हमेशा चेंज होते रहता है. दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी हो, ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस हो, कुछ भी. दैट मीन्स ये जो बिजनेस एनवायरमेंट है, इट इज always keep changing, whether in terms of upgradation of technology or shift of consumer preferences or government policy or trade and traditions. So business environment is always keep on changing, whether in terms of upgradation of technology, shift of consumers preference, government policy or trade and traditions. That means business environment mein kya hota hai, hamesha change hote rehta hai. चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में उसमें कोई नया इनोवेशन आया हो या गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो क्या होगा? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगा, उसमें इकोनॉमिकल चेंजेस आएगा, टैक्स पॉलिसी में चेंज आएगा या फिर कंज्यूमर्स का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसमें भी चेंजेस आ सकता है. तो बिजनेस के लिए हमेशा ये जो चेंजिंग सिचुएशन है, ये डायनामिक सिचुएशन है, इसके लिए फेस करने के लिए जो है हमेशा रेडी रहना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव इंटर रिलेटेडनेस. सो फोर्थ पॉइंट, वी हैव इंटर रिलेटेडनेस. बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. एग्जाम्पल, अगर देयर इज एन इंक्रीज इन अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. सपोज सोसाइटी में क्या है, आजकल जो है कोई भी कंज्यूमर्स हो, कस्टमर्स हो, सभी क्या है अपना जो कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज़ है सबके लिए जो है हमेशा अवेयर रहता है. तो कोई भी अपना, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, कोई भी अगर अपना हेल्थ के लिए अवेयर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर व्हाट प्रोडक्ट विल डिमांड? डेफिनेटली विल डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. सो
whenever it is increase in awareness for healthcare, it will increase the demand of many healthcare products. Like you will prefer for sugar free, diet coke, cholesterol oil free, cholesterol free oil. Similarly, one more examples we'll take. Agar there is an increase in income of consumers, ye environment kya hai? Economic environment hai. Koi bhi consumers ka agar income increase hota hai, ye economic environment will affect the social environment. How it will affect the social environment? Consumers ka income improve increase hone ke saath saath kya hoga? Uska jo living standard hai, that will improve. That means increase in income will help in improving the living standard of the consumers. So economic environment changes aaya, automatically it affect social environment. Like this, these environment factors are closely interrelated. Next point we have uncertainty. Uncertainty is what? It is largely uncertain. Why it is uncertain? Because it is very difficult to predict the future event. हम लोग आज क्या है बिजनेस कंडीशन, कल क्या रहेगा, वो हम लोग इन एडवांस में जो है श्योर नहीं होते या फिर उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल का मार्केट कंडीशन क्या होगा, बिजनेस सिचुएशन क्या होगा. जैसा टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाए तो टेक्नोलॉजिकल न्यू इनोवेशन होगा या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आ सकता है. और ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस अगर स्लोली आता है, मतलब पहले से बिजनेस कुछ प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये चेंजेस फ्यूचर में आने वाला है, तो पहले से बिजनेस क्या कर सकता है, वो हिसाब से जो है बिजनेस अपना मैनेजमेंट को जो है वो चेंजेस के साथ साथ जो है खुद जो है अडेप्ट होने के लिए रेडी रहते हैं. बट स्पेशली इट क्रिएट डिफिकल्टीज व्हेन इट क्रिएट द डिफिकल्टीज व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट ए फास्ट पेस. जब बहुत स्पीड आता है ये चेंजेस, तब जो है बिजनेस के लिए थोड़ा सा जो है इसको फेस करना मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. एज एंड व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स, वी नो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसिस्ट ऑफ various interrelated factors which affect the business enterprise. So environment become very complex as it is consist of numerous interrelated factors which affect in the business enterprise at the same time. So jab ye jo factors hai, interrelated factors, it affect separately, so it become easier to understand for the business. मतलब जो पार्ट में आता है ये कंपोनेंट्स, तब ये अंडरस्टैंड करना बिजनेस के लिए इजी हो जाता है. बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी. जब एक साथ आता है, सेम टाइम आता है, तो बिजनेस के लिए ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है. लास्ट पॉइंट वी हैव रिलेटिविटी. रिलेटिविटी किससे रिलेटेड है? बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन. So it is called related or relative concept. Business enterprise is relative concept as it is different from country to country, region to region, state to state. Okay. So business enterprise किससे related है? Local condition. So last point we have relativity. Business enterprise is relative concept. Why it is relative concept? किससे related है ये? ये business environment वहाँ का local condition के साथ जो है closely related है. As it is very different from country to country, region to region. If we are taking an example, demand for sari is very high in India. Sari का demand क्या है India में? बहुत high है. But in the same time in foreign country it has no existence. Similarly, if we see the government regulation or government policies ya consumer preferences, ye sab kuch kya hai, ek region se dusra region mein jo hai ek matlab
कोई भी रीज़न से दूसरा रीज़न जाओ तो वो जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो क्या है, डिफरेंट दिखाई देता. नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द अनसर्टेन सिचुएशंस. इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज दैट एनवायरनमेंट ऑफर्स. ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसे समझना बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से बिजनेस बिजनेस को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो है वो सारा जो नॉलेज है वो मिलता है, जिससे वो अनसर्टेन सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकता है. सो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस क्या है? कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर बिजनेसमैन को एक अच्छा नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है, वो कोई भी सिचुएशन को डील करने के लिए जो है रेडी होता है. क्योंकि बिजनेस में कैसा चेंज आने वाला है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो या फिर इकोनॉमिकल फील्ड में हो या कोई पॉलिटिकल फील्ड में हो, अगर वो पहले से अगर उनको जानकारी मिलता है या मेन जो है दैट इज़ प्रेफरेंस एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, अगर ये पहले से अगर उसको पता चल जाता है तो ये क्या कर सकता है, वो फर्स्ट द बिजनेस बिकम फर्स्ट सप्लायर्स. मार्केट का डिमांड क्या है वो अगर बिजनेस को पहले पता चल जाता है तो बिजनेस इजीली क्या कर सकता है, फर्स्ट मूवर का जो एडवांटेजेस है वो लेके वो क्या करता है, पहला सप्लायर बिजनेस बन सकता है. और जो पहला सप्लायर्स मार्केट में आता है ही अर्न मोर प्रॉफिट. ओके, सो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस क्या है, बिजनेस के बारे में नॉलेज है तभी जो है ये फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकता है और वो बिकमिंग फर्स्ट सप्लायर ही कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. For example, Maruti Udyog was the first automobile company in India to recognize the opportunities to develop small cars, due to which still this company is a leading company in the market. So, आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो मूवर है, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेज अगर कोई कंपनी लेता है तो उसे कितना बेनिफिट मिलता है. ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति उद्योग का, ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया है कि कंज्यूमर्स डिमांड क्या है और क्या सप्लाई देने से जो है हर एक लेवल वाले, जो मिडिल क्लास हो या हाई लेवल क्लास वाले हो या लोअर लेवल, कोई भी जो है उसको एफर्ट कर सकते हैं. तो वो जो डिमांड है उससे जो कंज्यूमर्स का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसको फुलफिल करने के लिए ये स्मॉल कार को डेवलप किया और जिसके लिए आज भी इंडिया में क्या है, ये मारुति उद्योग कंपनी लीडिंग में है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव वार्निंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल. वार्निंग सिग्नल क्या है, ये जो है दिस थ्रेट्स रेफर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर ए फर्म्स परफॉर्मेंस. ये कोई भी कंपटीटर्स है मार्केट में, वो कंपटीटर्स कभी भी बिजनेस में जो है जो बिजनेसमैन है वो सबसे किसे डरते हैं, राइवल जो कंपटीटर्स है उससे. सो जो राइवल कंपटीटर जो है वो क्या करने वाले है, वो जो हिंडर प्लान्स है वो फर्म्स का परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस लाने वाला है. अगर इस तरह कुछ भी नॉलेज अगर सामने वाला बिजनेसमैन को अगर मिलता है तो वो क्या कर सकता है, इजीली एज पर मतलब वो कंपटीटर्स से कंपटीशन देने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है. पहले से वो मैनेजर को जो है आइडेंटिफाई कर सकता है कि टाइम टू टाइम क्या वार्निंग सिग्नल जो है एनवायरमेंट से उसको मिलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी फर्म जो है मल्टीनेशनल कंपनी अगर बिजनेस में एंटर करने वाला है तो वो क्या करेगा, वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा. तो अगर कोई बिजनेस अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा है, न्यू इनोवेशन को अडॉप्ट अभी तक नहीं किया है, तो वो क्या नहीं कर सकता, दैट मल्टी या इंटरनेशनल जो कंपनी है उसका फेस नहीं कर सकता. क्योंकि जब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा. और यहाँ अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो क्वालिटी है वो
जो फॉरेन कंपनी का जो प्रोडक्ट हो उससे क्या होगा, लो क्वालिटी होगा. सो मार्केट में जो है इसका कंपटीशन नहीं होगा. सो ये जो वार्निंग है ये कहाँ से मिलता है, ये जो है एनवायरमेंट ही ये नॉलेज कंपनी को या बिजनेस को देता है एज ए वार्निंग. सो दैट बिजनेस कैन रेडी फॉर फेस दैट कंपटीशन. सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टैपिंग द रिसोर्सेस. टैपिंग द रिसोर्सेस, अभी कोई भी जो रिसोर्सेस है हमें कहाँ से मिलता है, हम लोग एनवायरनमेंट से ही सारा जो मटेरियल्स है जो भी रिसोर्सेस है यूजफुल रिसोर्सेस हम लोग एनवायरनमेंट से ही लेते हैं और फिर हमें जो रिटर्न देना होता है हम लोग फिर एनवायरनमेंट को देते हैं. ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेस है अगर हमें टैप करना है, टैप मीन्स पहले से हम लोग अगर एनवायरनमेंट का जानकारी होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मार्केट थ्रेट है उसको अगर हम लोग पहले से समझ जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को इन एडवांस में जो है जो भी नेगेटिव थ्रेट्स है या पॉजिटिव थ्रेट्स है देखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं. जो भी इनपुट्स है उसमें फिनेंस हो सकता है, मशीन्स हो सकता है, रॉ मटेरियल्स हो सकता है, पावर हो सकता है, वाटर, लेबर, कुछ भी है. अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए हमें पहले से पता चल जाता है कि कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे वो सीमेंट हो या फिर सैंड्स है या फिर रॉड है, मान लीजिए रॉड है, और पहले से जो एक एनवायरनमेंट से एक सिग्नल ऐसे एक नॉलेज हम बिजनेसमैन को मिलता है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पता चल जाता है कि जो है रॉड का रेट जो है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, इमीडिएटली जो रॉड है उसका एक स्टॉक जो है पहले से इन एडवांस में जो है खरीद के रखेंगे. तो क्या होगा, जैसे रॉड का रेट बढ़ जाएगा वो दूसरों को भी सप्लाई दे सकता है दैट प्रेजेंट रेट में, या फिर वो अपना कंस्ट्रक्शन काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट उसको मिल जाएगा. और ये कैसे हुआ है, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है इन्हें क्या था, एनवायरनमेंट का नॉलेज था. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक, मतलब बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है. चेंजेस आर टेकिंग प्लेस सो फास्ट पेस, मतलब बहुत स्पीड चेंज आ रहा है. और इट इज़ नॉट द फैक्ट ऑफ चेंजेस इटसेल्फ, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंजिंग. दैट मीन्स ये खाली चेंजेस का बात नहीं है बल्कि हम बिजनेस को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा रेट, किस रेट में जो है ये चेंज हो रहा है, मतलब क्या ये बहुत स्लो चेंज हो रहा है या फिर बहुत रैपिडली बहुत स्पीड चेंज आ रहा है इसमें. अगर बहुत स्लो चेंजेस आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में तो बिजनेस क्या कर सकता है, इजीली जो है इसको फेस करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकता है. और रैपिड चेंज अगर होता है तो इसमें क्या करते हैं बिजनेस, थोड़ा मुश्किल होता है. और इसलिए यहाँ इम्पॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट से अगर पहले से ये नॉलेज मिल जाता है कि ये चेंजेस जो है बहुत रैपिडली आने वाला है तो बिजनेस पहले से है खुद को रेडी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज है ये बिजनेसमैन को और मैनेजर्स को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक गाइडेंस देता है. कैसा गाइडेंस देता है, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका नॉलेज अगर पहले से मिल जाता है बिजनेसमैन क्या करता है, उसी का बेस पे क्या करता है, इट डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, चाहे वो प्लानिंग हो या फिर ट्रेनिंग गाइडलाइंस हो या कोई भी, या डिसीजन मेकिंग हो या बिजनेस का कोई पॉलिसी बनाना होता है, कुछ भी. मान लीजिए कोई न्यू एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, अगर कोई न्यू कंपटीटर्स आता है मार्केट में, विच मीन्स द बिजनेसमैन हैविंग वन मोर कंपटीटर्स इन द मार्केट, तो ये ऐसा फ्रेश कंपटीटर्स अगर आता है तो उससे कैसा डील करेंगे. तो पहले से क्या होता है, ये नॉलेज अगर होता है तो उसका बेस पे बिजनेस क्या करता है, अपना प्लानिंग और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा फ्यूचर में उसको सेट कर लेते हैं. ओके, एंड लास्ट पॉइंट वी हैव इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. दिस बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन
helps in improving performance. Business environment helps in improving performance. कोई भी डेली लाइफ का ले लीजिए, अगर हमें पहले से कुछ चीज़ के बारे में कोई काज कोई भी काम काज के बारे में हमें अगर पहले से नॉलेज होता है तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, अपना थ्रू प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस कैसा देना है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. सो जब बिजनेसमैन को कोई भी एंटरप्राइज का जो परफॉर्मेंस है अगर उसके बारे में नॉलेज होता है तो ये क्या कर सकता है बिजनेसमैन, अपना परफॉर्मेंस को भी, मतलब अगर वो देखता है कि सामने वाला राइवल कंपनी जो है अगर देखते हैं ये बहुत कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन है, मतलब अगर वो सोचता है कि ये बहुत इनोवेटिंग या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं या कोई नया पॉलिसी है जो ये यूज़ करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाले हैं, तो जो कंपनी है राइवल कंपनी वो क्या कर सकता है, अपना परफॉर्मेंस को, मतलब ये नॉलेज का बेस पे, मतलब एनवायरनमेंट का जो थ्रेड्स बिजनेसमैन को मिलता है उसका ऊपर बेस करके ये क्या कर सकता है, अपना परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकता है. मतलब जहाँ जहाँ उसको इम्प्रूव करना है, चाहे वो इनोवेटिंग फील्ड में हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फील्ड में हो, या फिर अपना पॉलिसी चेंज करना हो या स्ट्रेटजी हो या कोई भी डिसीजन लेना हो, प्लान करना हो, उसमें क्या कर सकते हैं, ये अपना इम्प्रूवमेंट ला सकता है. मतलब उसको जो राइवल कंपनी को देखते हुए ये खुद का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. और इसी तरह अपना इम्प्रूवमेंट को जो है इम्प्रूव करके क्या कर सकता है, बिजनेस में अपना जो सक्सेस है उसको अचीव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. सो टू सी दिस पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस बिजनेस एनवायरनमेंट. Okay, so in today's class we have seen first meaning of environment, then we have seen business environment. In environment meaning what we have seen, it is the totality of surrounding conditions, and in business environment what we have seen, it is the all total of the internal and external factors which influence the business. Next we have seen the features or natures of the business. In features and natures of the business we have seen the totality, first jo features hai humne dekha hai, it is totality of external factors. Second that is specific and general factors, then uncertainty. So next humne dekha hai dynamic in natures, then uske baad humne dekha hai uncertainty, and next nature is complexity, relativity and interrelatedness. Okay, so these all are the features. Then we have seen all the importance and benefits of the business environment. Here we have seen first mover advantages, then warning signals, tapping the resources, coping with the rapid changes, and planning and policy and formulation, and last one is it helps improving the performance. So students, hope aap log business environment का जो टॉपिक हमने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.